खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां बल्दिया थाने के SHO रईस खानजादा ने सैयद तौसीफ अली को हिरासा करना शुरू कर दिया है। इस पर मजीद बता रहे हैं हैदराबाद से हमें फरहान कुरैशी। छोटे दो और बल्दिया थाने वाले जो उनका SHO है रईस खानजादा, वो मेरे शोहर के पीछे पड़े हुए, कह रहे हैं काम चलाओ। अब हमने काम बंद कर दिया तो कह रहे हैं पैसे दो। ना वो बाहर जा सकते हैं, ना मस्जिद में जा सकते हैं, बस उन्हें पकड़ के ले जाएंगे। ये कहते हैं तो पैसे दो। अब जब काम नहीं है तो पैसे कहाँ से दें, और काम अब हमें करना नहीं है तो आप हमारी जान छुड़ा दें। हमारे छोटे बच्चे, अब हमें इस काम में नहीं आना। मेरे घर का सरबरा यही है, मेरे हर चीज का यही जिम्मेदार है। हाँ, और ये लोग तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मेरे घर पे पुलिस वाले चक्कर लगा रहे हैं। मेरे बच्चे को SHO बल दिया जब से आया है, जब से परेशान कर रहा है, हरासा कर रहा है, दरवाजे पे आ रहा है, उसके सिविल वर्दी में बंदे आ रहे हैं। आखिर परेशान करने की क्या वजह है? ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे मांग रहा है मेरे बच्चे से। कहाँ से दे हम किस बात के? जब काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो किस बात के हम पैसे दें इसको? सर, मेरा मुताबला ये IG सिंह साहब से, DIG हैदराबाद साहब से, SSP हैदराबाद से कि SHO साहब मुझे बिला वजह तंग कर रहे हैं, मुझसे मुताबला पैसों का कर रहे हैं। मैंने सब दोस्तों यारों को, जो जो मेरे ताल्लुक आते सर, मैंने सबको बोला कि मेरी से जान छुड़ाओ, मगर ये मुझे पकड़ने के चक्कर में कहीं बोलता मैं चर्च में लगा दूंगा, 9C कर दूंगा, डर के मारे में घर से नहीं निकल रहा हूँ मैं। मगर ये अल्लाह ना करे मैंने कुछ करा, अपनी जान को नुकसान दिया, तो मेरा सारा जिम्मेदार SHO बल दिया रईस खानजादा साहब होगा। और मैं सबसे अपील करता हूँ, मेहरबानी करके मेरी इंक्वायरी कराओ। अगर मैं काम कर रहा हूँ मुझे फांसी पे चढ़ाओ, और अगर नहीं कर रहा हूँ तो इस पर एक्शन लो।